दोस्तों नमस्कार। कोलकाता का महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्याकांड, इससे पूरा देश अवाक सा रह गया है, स्तब्ध रह गया है। मैं भी बहुत दुखी हूँ और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी ये मुद्दा इतना गंभीर है, हम हर रोज इस तरह की कोई ना कोई घटनाएं सुन रहे हैं। ये घटनाएं कब रुकेंगी, कैसे रुकेंगी, समाज इसके बारे में गंभीर चिंतन कब करेगा, इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारा पूरा तंत्र और उस तंत्र से जुड़े हुए लोग भी इतने लापरवाह दिखते हैं कि जैसे ये कोई आम घटनाएं हों। हर रोज कोई नई घटना इस तरह की सामने आती है, हम अपना रोष प्रकट करते हैं और 2 दिन के बाद वो बीती हुई बात हो जाती है और जिंदगी वैसे ही चलने लगती है। कोलकाता की ये डॉक्टर, ये ट्रेनी डॉक्टर के रूप में कही जा रही है, लेकिन ये MBBS कंप्लीट कर चुकी थी, एक डॉक्टर बन चुकी थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन चेस्ट मेडिसिन में करने के लिए ये इस हॉस्पिटल में आई थी, जिसका नाम RG कर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी था। यहाँ पे ये दूसरे साल में थी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के दूसरे साल में, और उस दिन जिस दिन ये दुर्घटना हुई वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी। क्या डॉक्टर्स को 36 घंटे काम करना पड़ता है? 36 घंटे तो मैंने कम बता दिए, कभी कभी 48 और 60 घंटे भी काम करना पड़ता है। आपको लगेगा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ, ये सच है। हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई के दौरान हर UG और PG डॉक्टर को समय समय पे 36 घंटे, 48 घंटे और 60-60 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। बीच में कहीं वो छोटी छोटी नींद लेते हैं, पेशेंट देखते देखते खाना खाते हैं, तो बड़ी कठिन जिंदगी है। इसके बारे में जो इसकी इंटरनल बहुत जानकारियां हैं मैं अगले किसी वीडियो में दूंगा। फिलहाल मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि ये डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। रात को 11:30 बजे इसकी माँ से बात हुई। माँ के अनुसार उस समय वो लड़की बिल्कुल तनाव मुक्त थी, नॉर्मल बातें हुई थी। उसके बाद ये अपने पेशेंट्स के राउंड लेके आराम करने के लिए चली गई। जिस कमरे में आराम करने गई वार्ड से बिल्कुल नज़दीक ही था। वो प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं था, लेकिन एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, एक कोई जगह थी जहाँ पे एक मैट्रेस डाल के डॉक्टर्स आराम करते थे। जो एक्यूज पकड़ा गया, संजय रॉय इसका नाम बताया जाता है, ये अपने आप को पुलिस का आदमी बताता था। इसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। उस रात को 11 बजे पहली बार आया और आधा घंटे रहने के बाद 11:30 बजे वापस चला गया। रात में 3:30 के आसपास, 3:40 को फिर दोबारा आया। उसके बाद इसने ये कांड किया और 4:30 के आसपास ये वापस चला गया। निकलने के बाद ये आदमी पुलिस बैरक में गया नज़दीक की, जहाँ पे ये रहता होगा या वहाँ पे इसका आना जाना होगा, वहाँ सो गया और सुबह नहा धो के उठा, तैयार हो गया। जब पुलिस इसके पास पहुँची तो पुलिस ने जो बताया कि रिमोर्सलेस था, इसके चेहरे पे कोई पश्चाताप के निशान नहीं थे, चिन्ह नहीं थे, और ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और पुलिस से बोला फांसी पे लटकाना है लटका दो, यानी कि ये बहुत ही रूथलेस आदमी था, ये हैबिचुअल भी हो सकता है इस तरह का। अब ये इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें आएंगी। बात करते हैं उस डॉक्टर की, उसके साथ जो ब्रुटेलिटी हुई ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वहाँ पे ये अकेला आदमी था, एक से ज़्यादा लोग थे, ये सब बातें अभी किसी को नहीं मालूम है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पहले कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन बंगाल में हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब जांच CBI को दे दी गई है। CBI इसकी जांच कर रही है, तो आने वाले समय में हमें सही तथ्य मालूम पड़ेंगे। फिलहाल जो इसका मर्डर हुआ और जो इसके साथ रेप हुआ वो इतना दर्दनाक था, इतना भयानक था कि उसका विवरण सुन के जो मजबूत कलेजे वाले लोग हैं वो भी दहल जाएंगे। उसके चेहरे पर, उसकी आँखों से और उसके जो जननांग है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। चेहरे पे खरोंच के निशान थे, शरीर पे खरोंच के निशान थे।
कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो उसकी पेल्विक बोन थी वो भी तोड़ दी थी उसने, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी फिलहाल ऐसा इंडिकेट नहीं हुआ। तो पूरी ब्रुटैलिटी के साथ, बड़ी नृशंसता के साथ इसको, इसके साथ मारपीट की, इसका गला दबाया गया, इसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया, स्मूदरिंग की गई और इस तरह इसको बड़ी दर्दनाक मौत दी और साथ साथ इसका बलात्कार भी किया। 31 साल की महिला जिसकी जिंदगी अभी तो शुरू ही नहीं हुई थी, शुरुआती जिंदगी इसकी पढ़ाई में निकल गई डॉक्टर बनने के लिए। जब डॉक्टर बनी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब ये डॉक्टर बनती तो एक्चुअली इसकी जिंदगी की शुरुआत होती, लेकिन उसके पहले ही एक हत्यारे ने इसके जीवन की लीला को खत्म कर दिया, इसकी जो सांसें चल रही थी उनको छीन लिया। इस हत्यारे का क्या होना चाहिए इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ हो बहुत जल्दी होना चाहिए और कठोरतम होना चाहिए। हमारे देश में बलात्कार को लेके जनता में और हमारे तंत्र में सेंसिटिविटी का अभाव है, हम लोग सेंसिटिव नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं ये अभी हुई, आज हुई, इसके पहले नहीं हुई, ये हर रोज़ हो रही हैं। हिंदुस्तान में हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है, उसमें कुछ नृशंस हत्याएं भी होती हैं। तो इस तरह की घटनाएं एक तरह से आम तौर पे सुनने को मिल जाती हैं। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे थे, कल ही उत्तराखंड में एक दूसरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक नर्स जिसकी एक 11 साल की बच्ची थी और माँ बेटी रहते थे, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, उसको किसी ने उसके साथ भी रेप किया, उसका भी मर्डर कर दिया और झाड़ियों में डाल दिया। उसके बारे में भी कल या परसों पता चला। ये उत्तराखंड की घटना है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 3 साल की बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार किया और उसको नाले में फेंक दिया। बिहार में एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक मजदूर की बच्ची, 5 लोग आए उसको घर से उठाकर ले गए और उसके पापा को बोला भी, उस मजदूर को, कि हम तुम्हारी बच्ची के साथ बलात्कार करेंगे, और उसको ले जाके जंगल में उसके साथ रेप किया, उसके ब्रेस्ट काट दिए और उसके मल्टीपल म्यूटिलेशन बॉडी का कर दिया। कितनी खतरनाक घटना है। लेकिन ये तमाम सारी घटनाएं या तो हमारे पास पहुंचती नहीं है, या हम इनको सुनने और पढ़ने के आदि हो चुके हैं, इम्यून हो चुके हैं, इन घटनाओं का शायद हमारे ऊपर असर होता नहीं। हमें सेंसिटिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी इन मामलों के लिए। महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, उसमें मर्डर, रेप या दूसरी तरह की जो घटनाएं हैं, इनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, समाज को सेंसिटिव बनाना होगा और इनसे कैसे बचा जाए और इनके अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का क्या प्रबंध होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। अगर ये बातें अभी उतनी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं है तो हमें सोचना चाहिए। लेकिन बेउम्मीदी कब हो जाती है, जब कर्नाटक में एक पावरफुल नेता जो चुनाव लड़ता है एमपी का, अचानक उसके बहुत सारे टेप आ जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है, सबको मालूम है उसके बारे में, वो चुनाव प्रचार भी बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ करता है और इसके बाद वो विदेश भाग जाता है। वो आराम से जब कम्फर्ट उसकी होती है फिर वापस आता है, उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। मणिपुर में एक भारतीय सेना के जवान की बेटी को नग्न करके किलोमीटर्स घुमाया गया और उसके साथ भयानक अत्याचार किया गया, कुछ नहीं हुआ, हम नहीं जान पाए कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। इस तरह की कितनी घटनाएं। एक और घटना याद आती है कि गुजरात में बलात्कारियों को, जिनको आजीवन कारावास मिला हुआ था, उनको समय से पहले ही रिहा कर दिया गया अच्छे चाल चलन के कारण, और रिहा करने के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। हमें जीरो टॉलरेंस चाहिए महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जीरो टॉलरेंस क्या ऐसे आएगा? इस तरह की घटनाएं हमें क्या संदेश दे रही हैं, हमारे समाज को क्या सिखा रही हैं? क्या ये जीरो टॉलरेंस है? हम जीरो टॉलरेंस की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टॉलरेंस है नहीं। उस जीरो टॉलरेंस के ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार
हमारी पार्टी उसकी पार्टी, हमारे लोग उसके लोग, हमारी जाति उसकी जाति, हमारा धर्म उसका धर्म, हमारा प्रदेश उसका प्रदेश, हमारी सरकार उसकी सरकार, इस तरह तय होगा? नहीं, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें इस समस्या को एक मानना चाहिए, वो किसी गरीब के घर का किस्सा हो या किसी सबसे ताकतवर के घर का किस्सा हो, अगर वो अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रबंध होना चाहिए। इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, यही जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस हम अपनी सुविधा के हिसाब से बदल नहीं सकते हैं, हमें मिलकर इसके बारे में गंभीरता से चिंतन करना होगा। इसका प्रिवेंशन कैसे हो, प्रोटेक्शन कैसे हो, और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कम से कम समय में कैसे दिलवाई जाए, इसकी कोई स्पेशल मैकेनिज्म ढूंढनी होगी। अभी बहुत सारे अपराधी इस तरह की घटनाएं करने के बाद बच के निकल जाते हैं, बच जाते हैं, कोई भय का माहौल नहीं है, कोई डर नहीं रहा है। अपराधी अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी के 78 साल बाद जहां पर कानून व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए, अपराधों में लगाम लगनी चाहिए, दुख की बात यह है कि हर साल अपराध बढ़ते जा रहे हैं और खासकर महिलाओं पर होने वाले अपराध और अत्याचार, उनकी संख्या में भी तेजी से वृद्धि होती जा रही है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये मुद्दा केवल डॉक्टर्स का नहीं है। कल डॉक्टर्स ने पूरे देश में एक दिवसीय आंदोलन करने की बात कही है। उनके पास अपना रोष प्रकट करने के लिए, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए और अपनी बातों को सरकार के पास और तंत्र के पास, यहाँ तक कि जनता के पास पहुँचाने के लिए दूसरा कोई सटीक माध्यम है भी नहीं। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता हमेशा रहेगा। हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर्स को अलग करके मत देखिए। डॉक्टर आपके बीच के ही लोग हैं और आपकी भलाई के लिए ही वो डॉक्टर बने हैं। उनकी इन विषम परिस्थितियों को समझिए। अगर उनके ऊपर कोई आपदा आई है तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, शायद उनके रोकथाम में कोई पहल हो सके। मैं आपसे फिर से अपील करूंगा कि अपना समर्थन व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, अपने अपने तरीकों से जरूर दीजिए। आप मुखर होंगे तो हम सबका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। हमें सरकार तक अपनी ये मांग पहुंचानी है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के प्रोटेक्शन के लिए जो ड्राफ्ट उन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है उसको जल्द से जल्द अमल में लाएं। डॉक्टरों की, हॉस्पिटल्स की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर हम भयभीत रहेंगे तो फिर मरीज का इलाज होगा नहीं, और आने वाले समय में जो ये इलाज का जो ये क्वालिटी का लेवल है ये खराब होता चला जाएगा। अल्टीमेटली इससे समाज का ही नुकसान होगा और जो हमारा स्वास्थ्य तंत्र है वो नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगा। आप अपने तरीके से इस विरोध की आवाज़ को आगे बढ़ाइए, उस पीड़िता को याद करते हुए, उसको श्रद्धांजलि देते हुए। आप इस विषय पर गंभीरता से सोचिएगा और इसके उन्मूलन में अपना जो भी योगदान बन पड़े करिएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।